this topic comes under the subject of estimating and costing in electrical engineering. Tender and its finalization. First of all, tender. टेंडर वो लेटर होता है जो सप्लायर के द्वारा बनाया जाता है जब भी किसी भी सप्लाई की कॉल आती है उसे। कोई भी कंपनी जब कोई भी लार्ज स्केल पर सप्लाई रिक्वायर्ड होती है किसी भी कंपनी को, तो जो भी सप्लायर उस माल को सप्लाई करते हैं तो वो टेंडर के द्वारा उस डिमांड को पूरा उसका नोटिस एक बना के भेजते हैं। टेंडर का नोटिस किसी भी कंपनी के द्वारा एक न्यूज़पेपर में दिया जाता है, उसमें टेंडर खोलने की तारीख टाइम प्रॉपर तरीके से दी होती है। उसमें बताया जाता है कि किस फॉर्म में टेंडर को बनाकर भेजना है और एक सील्ड एनवेलप में कंपनी इनवाइट करती है टेंडर। तो जो भी सप्लायर एज पर रिक्वायरमेंट जिस जिसके पास वो सप्लाई करने का मटेरियल होता है, वो सप्लायर उस तरीके से उस लेटर को उस फॉर्म में एक सील्ड एनवेलप में बनाकर भेजता है और रिक्वायर्ड टाइम, जैसे फॉर एग्जांपल किसी कंपनी ने टाइम दिया है कि 30 सितंबर 2020 को टेंडर फॉर्म पहुंच जाने चाहिए टिल 12 PM। तो सप्लायर को इस रिक्वायर्ड टाइम पे उनको जैसे भी या स्पीड को चाहे ईमेल जो भी तरीका किसी भी कंपनी ने बताया होगा उस तरीके के अनुसार टेंडर को प्रॉपर फॉर्म में सील्ड एनवेलप में भेजा जाता है। ये कंपनीज इसकी एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी एट्सेट्रा पर इसकी एडवर्टाइजमेंट देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये जो तारीख गिवन डेट है टेंडर की किसी कंपनी ने चेंज करनी है या एक्सटेंड करनी है, तो अगर न्यूज़पेपर में ऐड आई है जिस पेज पे जिस कॉलम पे टेंडर की ऐड आई होगी उसी पेज पे दोबारा उसकी ऐड उसी पेज पे दोबारा उसी कॉलम पे उसकी ऐड दी जाएगी ताकि किसी को भी किसी प्रकार की कन्फ्यूजन ना हो। इसी तरह रेडियो पर अनाउंसमेंट और टीवी पर एडवर्टाइजमेंट भी उसी तरीके से दी जाएगी कि हमने डेट को एक्सटेंड कर दी है या टाइम में कोई चेंज है, ताकि जो भी सप्लायर है उनको कंफ्यूजन ना रहे। किसी भी सप्लायर को जब टेंडर भेजने के लिए कहा जाता है उससे कुछ एक अमाउंट ली जाती है, ठीक है, जिसे हम एज सिक्योरिटी अमाउंट भी कह सकते हैं। उससे अमाउंट ली जाती है कि जब टेंडर खुलेगा जिसको टेंडर मिलेगा उसकी अमाउंट कंपनी रख लेती है। वो बाया ड्राफ्ट भी हो सकती है, बाया चेक भी हो सकती है। जिस अगर 10 सप्लायर हैं उसमें से एक को कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो उसकी अमाउंट कंपनी अपने पास रख लेती है, बाकी 9 की उनको वापस कर देती है। तो ये होता है पूरा टेंडर नोटिस।